बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टारगेट है कि 10 ऑफ ज़ीरो को हम ग्राफिकली कैसे शो करेंगे और 10 ऑफ ज़ीरो का क्या मतलब है। 10 ज़ीरो डिग्री मेरे पास एंगल है, ये डिग्रीज में है। तो जब कोई चीज़ डिग्रीज में होती है तो उसको एक ऐसे ग्राफ में शो किया जाता है, और जब वो रेडियंस में होती है तो उसको कैसे शो किया जाता है, और डिग्री टू रेडियन हम कैसे जाते हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट। मेरे पास क्वेश्चन है 10 ज़ीरो डिग्री। तो ज़ीरो डिग्री, पहले हम ग्राफ में इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर ज़ीरो है। कैसे ज़ीरो है? क्योंकि साइन ऑफ ज़ीरो वी नो ज़ीरो, कॉस ऑफ ज़ीरो वन। तो टेन ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होता है? साइन बाय कॉस, और ज़ीरो ज़ीरो, तो यहाँ से आ जाता है ज़ीरो बाय वन, और ये ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, यहाँ से भी हमें पता चल जाता है, और हमें प्रॉपर कैलकुलेटर से अगर आप वैल्यूज निकालें तो वहाँ से भी पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे? ये ज़ीरो टू ज़ीरो पॉइंट आएगा। क्यों? दोनों तरफ से वाई का भी ओरिजिन है, एक्स का भी ओरिजिन है। अगर इसको मैं क्वाड्रेंट्स में देखूँ, क्वाड्रेंट्स में ज़ीरो डिग्री कौन सी लाइन में आएगा? इस लाइन में आएगा, इस लाइन में आएगा। ठीक है, जहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर इसको क्वाड्रेंट वाइज देखा जाए। ठीक है, इसके बाद टेन ऑफ ज़ीरो को अगर मैं रेडियंस में लेके जाऊँ, तो रेडियंस में कैसे लेके जाया जाता है कि इनटू पाई बाय 180 कर देते हैं। जब मैं इसको पाई ओवर 180 कर दूंगी तो तब इसकी वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। ठीक है, इसका एंगल तब भी ज़ीरो रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो तब भी ये इसी क्वाड्रेंट में लाया करेगा अकॉर्डिंग टू रेडियंस। ओके, होप यू गेट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।